All right, let us start today's session with one last numerical, then we'll go ahead with theory topic. Ek question hamara baki hai. A marble of mass 2m traveling at 6 cm per second. Aapke paas ek marble hai jiska mass 2m hai. Let us take this marble of mass 2m. Mass 2m and it is traveling with initial velocity of 6 cm per second. Is directly followed by another marble of mass m. इसके पीछे एक मार्बल है जिसका मास है m, हाफ मास, विद डबल द स्पीड. मास हाफ है बट स्पीड डबल है. तो इसका इसको मैं बोल दूंगा m2, ये है m1 जिसका मास है 2m, दिस इज m2 जिसका मास है m. इसका स्पीड, इनिशियल स्पीड, नॉट फाइनल, इनिशियल स्पीड u1, इनिशियल स्पीड u1 ऑफ दिस इज हाउ मच, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका आएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यू हैव दिस सिचुएशन, राइट? आफ्टर कोलिजन द हेवियर वन ट्रेवल्स विद एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू. आफ्टर कोलिजन हेवियर वन, हेवियर का हमने इसको नाम दिया नंबर वन. तो दे आर टेलिंग यू कि कोलिजन के बाद जो हेवियर है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका जो स्पीड होगा वो एवरेज होगा किसका, दोनों का, राइट? सो विद द एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इनिशियल ऑफ फर्स्ट प्लस इनिशियल ऑफ सेकंड अपॉन टू, क्योंकि एवरेज बोला है. आफ्टर कोलिजन द हेवियर वन ट्रेवल्स विद एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू, मतलब यू वन प्लस यू टू बाय टू, दिस इज वॉट दे आर गिविंग यू. यू वन कितना है आपके पास, 6, और यू टू 12. तो 6 प्लस 12 बाय 2, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 18 by 2, मतलब 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये आपके पास गिवन डेटा है और आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, और आप सबको फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही होता है, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. So the formula that you want to apply is AZ equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2. अब इस फॉर्मूला में आपको V1 पता है, yes. आपको U1 पता है, yes. U2 पता है, yes. The only thing that you don't know is V2. तो सबसे पहले अगर आपको E की वैल्यू चाहिए तो आपको सिर्फ V2 चाहिए. और V2 कैसे फाइंड करोगे, किसी भी टाइप के कोलिजन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, लीनियर मोमेंटम. मतलब हम लोगों को लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और वहां से V2 मिल जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यू हैव M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का फॉर्मूला यूज करना है, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. इसमें m1 पहला मास 2m है, सिर्फ याद रखना हमने उल्टा नोटेशन किया है क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है. जब हमने थ्योरी डिराइव किया था तो थ्योरी में जो आगे मास था उसको सेकेंड ऑब्जेक्ट हुआ था और जो पीछे था उसको फर्स्ट. बट यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसा है, दे आर टेलिंग यू अ मार्बल ऑफ मास 2m, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अनदर, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड. तो दैट इज व्हाई नोटेशंस हैव चेंज्ड, बाकी कुछ नहीं है, बाकी इजी है. m1 इज 2m, 2m, u1 इज 6, 6, m2 इज m, m2 इज m, एंड व्हाट इज u2, 12, 12. इक्वल टू एम वन इज अगेन 2m, और v1 कितना है, 9, 9, प्लस m2 कितना, m, और v2 फाइंड करना है तो v2. तो ये आ गया 12m प्लस 12m, 24m इक्वल टू 2 इंटू 9, 18m प्लस m v2 प्लस m v2. इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, 24m माइनस 18m इज 6m इक्वल टू एम वी टू, मतलब वी टू आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो वी टू मिल गया, वी टू मिल गया, तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इजीली मिलेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सिंपल सा केस है, इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन
u1 माइनस u2, v2 आपके पास आया 6, माइनस v1 है 9, अपॉन u1 था 6 और u2 था 12, तो ऊपर माइनस 3, नीचे माइनस 6, मतलब 1/2, मतलब 0.5. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, स्टेप समझ लो. फर्स्ट मास हेवियर वन इज अहेड, इट इज फॉलोड बाय लाइटर मास जिसका मास हाफ है वो पीछे है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इज 6 एंड सेकेंड इज 12. कोलिजन के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज एवरेज ऑफ द इनिशियल ऑफ द फर्स्ट टू, मतलब u1 प्लस u2 बाय 2, राइट. तो आपको यहां से मिल जाएगा v1 एज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आपको e का फॉर्मूला पता है, e के लिए v2 चाहिए और v2 आप निकाल रहे हो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दैट्स इट, v2 मिल जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ v2 एंड सॉल्व. ओके, सो लेट्स गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज, अभी तक हमने, इफ यू रिमेंबर, वी हैव बीन स्टडिंग कोलिजन. कोलिजन में हमने इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन देखा था, फिर हमने हेड ऑन कोलिजन देखा है, वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन, और उसमें हमने स्पेसिफिकली हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ही डिस्कस किया है अभी तक. तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू मूव अहेड एंड डिस्कस कोलिजन इन टू डायमेंशंस. तो इसको नॉन हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, कोलिजन इन टू डायमेंशंस. Dimensions. This is also called as non-head-on collision. Non-head-on collision. So, थोड़ा सा complicated है, little bit, but you need to pay attention. तो लिखने की कोई जल्दबाजी नहीं है. You need to just pay attention first. सबसे पहले, as you know, कि जो 1D collision था, उस केस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स दे वर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. और इसके लिए हम लोगों ने दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी और पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी सेम लाइन के अलोंग दिखाया था. सेम लाइन मतलब मे बी इन द सेम डायरेक्शन, मे बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट अलोंग द सेम लाइन. और कोलिजन के बाद भी हम लोगों ने सेम लाइन में बताया था v1 एंड v2. अगेन द सेम स्टोरी रिपीट. हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों का अपोजिट हो, ऐसा भी हो सकता है, बट सेम लाइन के अलोंग है. अब इन दिस केस व्हाट विल चेंज इज, अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है. लेट अस से दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड आई हैव अनदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 2. लेट अस से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कम एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, कम से कम एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, राइट. मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस मूव रहा है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स में नहीं होने वाला. इट कैन बी इन टू डायमेंशन, हो सकता है कि इसका वेलोसिटी ऐसा हो अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, तो दो कंपोनेंट. ऐसा भी हो सकता है कि इट इज मूविंग अलोंग वाई ओनली. ऐसा हो सकता है कि इट इज मूविंग हियर, अगेन एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट. तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन नहीं है. पिछले केस में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, कोलाइडिंग बॉडीज, उन दोनों के दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वाज सेम. यहां पे कम से कम एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, हो सकता है ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज स्टिल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है इट इज नॉट अलोंग द सेम लाइन. इट कैन बी इन एक्स वाई प्लेन, इट कैन बी प्योरली अलोंग वाई. तो ये चीज याद रखना. और इस केस में व्हेन यू टॉक अबाउट कोलिजन इन टू डायमेंशन, इस केस में आपको दो अलग अलग लाइंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दो अलग अलग लाइंस आपको डिफाइन करने पड़ेंगे. कौन से दो लाइंस, रिमेंबर, थिंक, समझो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा यहाँ पे आ रहा है, राइट. तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, मतलब दिस इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. एंड दिस ऑब्जेक्ट नंबर 2 इज आल्सो कमिंग समथिंग लाइक दिस, इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस. मतलब ये जो लाइन है ये हो गया
सेकेंड ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये आ गया आपका U2 का डायरेक्शन। बट इन दिस केस क्या होगा, जब ये कोलाइड होंगे, तो व्हेन दे कोलाइड, तो देयर इज अ लाइन अलोंग विच एक्शन रिएक्शन फोर्सेस विल एक्ट। तो इस लाइन के अलोंग फोर्स, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट, LOI। तो लाइन अलोंग विच एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इंपैक्ट, राइट। और एक दूसरा लाइन हमको लेना पड़ेगा, क्यों लेना है समझेगा आपको बाद में, एंड दैट इज अ कॉमन टेंजेंट लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, एंड इट इज कॉमन टेंजेंट टू बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, राइट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो। अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने ये देखा अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम लाइन ही मूव हो रहे थे, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन, राइट। और उसमें से पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा होना ही चाहिए टू अंडरगो कोलिजन, नहीं तो कोलिजन होगा नहीं। ये है वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। और आपको पता है कि जब कोलिजन हुआ मतलब तब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आए, और कांटेक्ट में आए तो याद होगा कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मीट, दे इंटरैक्ट, मतलब दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो व्हेन दे कोलाइड, ये ऊपर का सिचुएशन था बिफोर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन सेकेंड, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, एंड एक्शन का रिएक्शन सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन वन, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो ही लाइन ऑफ इंपैक्ट है। सो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नथिंग बट लाइन ऑफ इंपैक्ट, करेक्ट। इस केस में भी लाइन ऑफ इंपैक्ट था, पर हमने कभी लाइन ऑफ इंपैक्ट बोला नहीं क्योंकि जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि कोलिजन के बाद भी दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल मूव अलोंग द सेम लाइन। तो आफ्टर, इवन आफ्टर कोलिजन, दे विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द, दे विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम लाइन। ये था 1D हेड ऑन कोलिजन। अब हम जो यहां पे देखने वाले हैं उसमें जिस पॉइंट पे कोलिजन होगा, मान लो लेट अस टेक कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर वन, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर वन, राइट, एंड दिस ऑब्जेक्ट नंबर वन इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा आ रहा है वो। अब हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर टू, वो यहां से आ रहा है। गाड़ी के एक्सीडेंट देखे होंगे तो वैसा ही, मतलब देखने की जरूरत नहीं है, यूनिट टू इमेजिन, राइट, नहीं तो बोलेगा हमको देखना है। तो एनीवेज, तो इमेजिन कि सेकेंड ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है, इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, तो इस पॉइंट पे होगा इंपैक्ट, यहां पे होगा कोलिजन। ये था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। जब इंपैक्ट होगा तो उस केस में, तो व्हेन इंपैक्ट होगा मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा और ये ऑब्जेक्ट यहां पे आया और कोलिजन हुआ। सो इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस केस में देयर इज फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेगा और दूसरा पहले पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो यू नीड टू नो दिस, ये यहां पे आ जाएगा आपका फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन एंड फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। जिस लाइन के अलोंग फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट होंगे उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। सो दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, मैं लिख देता हूं यहां पे लाइन ऑफ इंपैक्ट।
देन इन दोनों ऑब्जेक्ट को कॉमन टेंजेंट, और वो जो टेंजेंट है इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमको कंसिडर क्यों करना है समझेगा, इन अ व्हाइल यू विल अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड टू टेक दिस लाइन। तो ये जो है ये कॉमन टेंजेंट है, सो दिस इज सी टी कॉमन टेंजेंट, सी टी इज कॉमन टेंजेंट। तो दिस वॉज द सिचुएशन ए बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का सिचुएशन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन का सिचुएशन है, सो दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, एंड देन यू विल हैव आफ्टर कोलिजन सिचुएशन। तो इन केस ऑफ आफ्टर कोलिजन, अब मैं क्या कर रहा हूं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, व्हाट आई विल डू इज मैं ये लाइंस यहां पे भी दिखा दूंगा, ये कॉमन टेंजेंट लाइन है एंड दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, आई विल हैव टू शो इट हियर फॉर सम रीजन, बताता हूँ व्हाई, बिकॉज वी नीड टू डिफाइन एंगल्स, हमको एंगल्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो वी नीड टू नो दिस, वी नीड टू नो दिस एंगल्स, ओके, देन गुड। आगे व्हाट विल हैपन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपेंस इज, ये था आपका आफ्टर कोलिजन सिनेरियो। कोलिजन के बाद रिमेंबर ये ऑब्जेक्ट ऐसा आया, कोलिजन होके उसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो दिस ऑब्जेक्ट इज कमिंग लाइक दिस एंड चेंजिंग लिटिल बिट ऑफ डायरेक्शन, तो ऐसा आया और थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ, सो देयर इज चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इट वॉज कमिंग लाइक दिस, अब कोलिजन के बाद हो सकता है यहाँ पे चले गए, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सेकेंड ऑब्जेक्ट, इट केम फ्रॉम सम अदर डायरेक्शन, सम अदर डायरेक्शन, और कोलिजन के बाद इट गोज इन टू अदर डायरेक्शन। आई विल रिपीट एवरीथिंग, डोंट वरी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो ध्यान दो। तो वॉट इज हैपनिंग आफ्टर कोलिजन इज स्कैटरिंग, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन ही बता दिया था कि कोलिजन में होता क्या है, ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर एंड दे स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। अब जो पहले ऑब्जेक्ट में लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ, लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम बोल देंगे अल्फा वन, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट ने बनाया है उसको बोल देंगे अल्फा टू, राइट। और जो फाइनल वेलोसिटीज है, दीज आर फाइनल वेलोसिटीज वी वन एंड वी टू, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ उसको हम बोल देंगे बीटा वन, और जो सेकेंड ने बनाया उसको बोल देंगे बीटा टू, राइट। यहां तक क्लियर, पक्का, गुड। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले बिफोर कोलिजन सिनेरियो में, लेट मी राइट इट डाउन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन सिनेरियो में एज यू कैन सी कि इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, वेक्टर्स पता होना चाहिए, जब जब वेक्टर एक्स वाई डायरेक्शन में हो तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। नाउ ये जो हमारे पास वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे, तो ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसने एंगल बनाया कितना, अल्फा, किसके साथ, लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ अल्फा वन, ये है आपका यू वन वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स, कौन से दो कंपोनेंट्स, एक होगा एक्स कंपोनेंट, और बाय द वे ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज पॉइंटिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये यहां पे पॉइंट कर रहा है, लुक, इट इज गोइंग इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, तो एक काम करो, इसके दो कंपोनेंट कैसे करोगे, एक कंपोनेंट जाएगा यहां पे और एक आएगा नीचे, क्यों नीचे, एज आई टोल्ड यू थर्ड, सिर्फ देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, यू आर ऑलवेज इनटू कि वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाना, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, डायरेक्शन क्या है उसका, डायरेक्शन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड की फोर्थ, गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो ये एंगल अल्फा वन, तो ये एंगल अल्फा वन, दिस इज अल्फा वन, दिस अल्फा वन, क्यों आया अल्फा वन, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, वेरी गुड,
तो यू वन का, यू वन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, यू वन कॉस ऑफ अल्फा वन। क्यों कॉस ऑफ अल्फा वन, क्योंकि ये एडजेसेंट है इसके लिए कॉस ऑफ अल्फा वन। और ये कंपोनेंट क्या आएगा, U1 sin alpha 1, very good, U1 sin of alpha 1, excellent, good, very good। ये हो गया आपका पहले ऑब्जेक्ट का। अभी दूसरे ऑब्जेक्ट का बाकी है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी दिखाना पड़ेगा। तो दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा था, ऑलमोस्ट सेम, मोर और लेस सेम, सिर्फ उसका डायरेक्शन अलग था आने का। तो ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट और ये ऐसा आया, सेकेंड ऑब्जेक्ट ऐसा आया। तो दिस वेलोसिटी इज यू टू और ये एंगल था आपका अल्फा टू। अब इसके भी हम लोग कर देंगे दो कंपोनेंट्स, उसमें से एक कंपोनेंट मान लो ये जाएगा यहां पे और एक आएगा यहां पे। सिमिलरली दिस इज अल्फा टू, दिस इज ऑल्सो, तो ये आ जाएगा यू टू, यू टू कॉस अल्फा टू। ओके, इट इज यू टू कॉस ऑफ अल्फा टू और दिस इज यू टू साइन ऑफ अल्फा टू, करेक्ट। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि कोलिजन में क्या कॉन्जर्व होता है, लीनियर मोमेंटम। हमको लीनियर मोमेंटम का कॉन्जर्वेशन अप्लाई करना है यहाँ पे, तो पहले कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इफ यू डोंट नो कंपोनेंट्स, ओके बाय बाय, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन सिनेरियो में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। आफ्टर कोलिजन में वापस से ये है आपके पास लाइन ऑफ इंपैक्ट। आफ्टर कोलिजन में ये है पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन, दिस इज वी वन, दिस इज वी वन और ये एंगल कितना लिया आपने, बीटा वन। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन से दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे और एक होगा यहाँ पे, वेरी गुड गुड। तो ये कंपोनेंट आपका आएगा V1 cos of beta 1 और यहाँ आएगा V2 cos of beta 2। गुड गुड गुड, वेरी गुड, यू आर अवेक। V2 V1, ओके, V1 साइन ऑफ बीटा वन, वेरी गुड। क्योंकि इतनी सी गलती कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का पूरा फॉर्मूला चेंज कर देगी, वेरी गुड। तो अब दिस इज व्हाट यू हैव। अब हमारे पास सिर्फ रह गया तो एक, एंड दैट इज सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, तो वो भी कर लेते हैं। सो दिस इज अगेन लाइन ऑफ इंपैक्ट, हियर ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी यू शुड नो इट इज समवेयर ओवर हियर और एंगल कितना बनाया था, बीटा टू, वेरी गुड। तो इसका डायरेक्शन ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, एक कंपोनेंट गया यहाँ पे, दूसरा कंपोनेंट आया यहाँ पे, समवेयर ओवर हियर। तो ये आ जाएगा, दिस इज वी टू, ओके वी टू, तो ये आ जाएगा वी टू कॉस बीटा टू और ये आ जाएगा साइन बीटा टू, वेरी गुड। अगर आपको इतना समझा है तो ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगा। नाउ तो एक काम करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन लिटिल बिट, क्योंकि ये इतना सब हमको रिक्वायर्ड है। टॉपिक इज इजी, सिर्फ यहाँ पे आप दो ऑब्जेक्ट के दो दो डायरेक्शन के साथ डील कर रहे हो, दैट इज वाई थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले वी आर स्टडिंग कोलिजन इन टू डायमेंशन, नॉन हेड ऑन कोलिजन, और नॉन हेड ऑन कोलिजन में हमको दो लाइंस, टू लाइंस हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वन इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलॉन्ग विच एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट, और दूसरा लाइन इज perpendicular to line of action and that is line of impact and that is common tangent. Okay, so to understand non head on collision we need to consider
we need to consider two lines, two mutually perpendicular lines, two mutually perpendicular lines. उसमें से नंबर एक, वन अलोंग विच एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट, और इसको आप बोलते हो लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट या फिर लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ इंपैक्ट, एंड अदर अदर परपेंडिक्यूलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, एल वाई इज लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड इज कॉमन टेंजेंट, एंड इज कॉमन टेंजेंट, राइट? गुड. अब मैंने आपको बताया था कि कम से कम एक वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग होना चाहिए. सो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है उस लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी नहीं हो सकता. अगर दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया, मतलब वो 1D कोलिजन हो जाएगा, हेड ऑन कोलिजन. पहला ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है और दूसरा भी इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो दैट बिकम्स अ केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन. तो यहां पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इन दिस केस देयर इज मिनिमम वन वेलोसिटी, मतलब दोनों में से एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऐसा होगा विच इज नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट. सो इन दिस केस एट लीस्ट वन इनिशियल वेलोसिटी, या फिर यू कैन से द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट. दोनों में से एक चल जाएगा, दूसरे का नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों ही नहीं होने चाहिए. हमने दोनों नहीं है ऐसा ही लिया है, वी आर सेइंग कि दोनों कहीं और से आ रहे हैं, दे आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट. अब लिखने का तरीका समझ लो, कीप इट वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल रखो. ये जो दो केसेस थे ये बिफोर कोलिजन के केसेस थे, सो दीज टू केसेस आर बिफोर कोलिजन, ये और ये, दिस इज सिचुएशन बिफोर कोलिजन एंड दीज टू सिचुएशंस आर आफ्टर कोलिजन. तो सबसे पहले जस्ट स्पेसिफाई कर दो, क्या स्पेसिफाई करेंगे, U1 क्या है, U2 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, U1 के कंपोनेंट्स कितने, U2 के कंपोनेंट्स कितने, V1 के कंपोनेंट्स कितने और V2 के कंपोनेंट्स कितने. तो लिखते टाइम एकदम सिंपल रखेंगे हम लोग, हम बोलेंगे लेट U1 बार, क्या है U1 बार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लेट U1 बार बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच मेक्स कितना एंगल बनाया था पहले ऑब्जेक्ट ने, α1, विच मेक्स एंगल α1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इंपैक्ट LOI. ओके, देन सिमिलरली आप इसको बोल सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ U1, एंड यू कैन से There are two components of U1. उसमें से पहला, as you know, पहला है U1 cos of α1 along line of impact. ठीक है, you can see U1 cos α1 ये कहाँ पे है, along line of impact. और दूसरा U1 sin α1 is along common tangent. काम में आएगा, ध्यान रखना. तो U1 sin α1 along common tangent. Very good. Then, similarly,
जो सेकेंड ऑब्जेक्ट था, सेकेंड ऑब्जेक्ट था उसका इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेंगे यू टू, और उसने एंगल कितना बनाया अल्फा टू. तो लेट यू टू बार बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विच मेक्स एंगल अल्फा टू विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इंपैक्ट. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, और इसके भी दो कंपोनेंट्स. कौन से दो कंपोनेंट्स? सेम एंड सेम, मोर और लेस सिमिलर. तो यहां पे आएगा एक आपके पास u2 cos alpha 2 and u2 sin alpha 2. तो u2 cos alpha 2 and u2 sin alpha 2, राइट? गुड. अब आफ्टर कोलिजन जो पैरामीटर्स है, कौन कौन से पैरामीटर्स है? v1 एंड v2, उसको डिफाइन करो. तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है वो देख लेते हैं. तो v2 bar से पहले हम लोग v1 bar डिफाइन कर देते हैं. सो v1 bar, व्हाट इज v1 bar? फाइनल वेलोसिटी किसका? ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच मेक्स, कितना एंगल बनाया इसने? बीटा वन, विच मेक्स बीटा वन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर डी विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, राइट? जैसे इसके दो कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट, उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे. देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वी वन, ऑफ वी वन. पहला क्या आया? वी वन कॉस बीटा वन और वी वन साइन बीटा वन. तो वी वन कॉस बीटा वन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड वी वन साइन बीटा वन अलोंग कॉमन टेंजेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. तो सिमिलरली, एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन वी टू बार बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट मेक्स एंगल बीटा टू. देयर आर टू कंपोनेंट, यहां पे भी दो कंपोनेंट है. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. गुड, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. इजी है. वी टू बार फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बीटा टू एंगल, दो कंपोनेंट, दो 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 और गुड, वेरी गुड. अब थोड़ा सा और हायर लेवल. वंस यू नो कंपोनेंट देन यू नीड टू नो कि जब हम 1D मोशन की बात कर रहे थे तो 1D मोशन में मैंने बोला था कि लीनियर मोमेंटम मतलब हमेशा कंजर्व्ड होता है. तो टोटल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल. ये जो टोटल इनिशियल इक्वल टोटल फाइनल होता है वो ओनली अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उस डायरेक्शन में, राइट? दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्प्लिट, क्योंकि अब आपको समझेगा कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स नहीं था. दो डायरेक्शन है ना, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट है, एक कॉमन टेंजेंट है. कॉमन टेंजेंट के अलोंग फोर्स नहीं है. तो नाउ वी विल, अभी तक हम बोल रहे थे कि नो मैटर वॉट लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. अब हम बोलेंगे वी नो दैट टोटल, ये टोटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम भी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इज कंजर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं वहां पर मोमेंटम चेंज क्यों होगा? व्हाट इज फोर्थ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? dp/dt. dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी. तो जब फोर्स है ही नहीं जिस डायरेक्शन में वहां पर मोमेंटम चेंज हुआ नहीं, तो मोमेंटम चेंज हुआ नहीं तो फिर कंजर्वेशन की बात ही क्यों करेंगे हम लोग? इज दिस क्लियर? तो मोमेंटम चेंज कब होता है? जब फोर्स हो. तो जब फोर्स होता है तो उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड ऑफ द एंटायर सिस्टम. ओके,
So we know that total linear momentum of the entire system is conserved in the direction of force. That is along line of impact. Therefore, अब line of impact में initial total क्या था? U1 cos alpha 1 और U2 cos alpha 2. लेकिन ये तो speed है ना, आपको momentum चाहिए ना. हाँ, तो momentum के लिए mass से multiply करो. M1 U1 cos alpha 1, M2 U2 cos alpha 2. So that therefore you can say M1 U1 cos alpha 1 plus M2 U2 cos alpha 2 equal to final velocity M1 V1 cos beta 1 cos beta 2. Very good. तो ये आपको मिलेगा M1 V1 cos of beta 1 plus M2 V2 cos of beta 2. Right? जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, मतलब कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग मोमेंटम कॉन्जर्व्ड है, लेकिन इंडिविजुअल मासेस का कॉन्जर्व्ड है, टोटल नहीं. तो इंडिविजुअल का कॉन्जर्व्ड है मतलब क्या? मतलब आप बोल सकते हो M1 U1 sin alpha 1 equal to M1 V1 sin beta 1. यहाँ पे M1 U1 sin alpha 1 plus M2 U2 sin alpha 2 नहीं चलेगा. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है वहां पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम को इक्वेट करना है. जहां पे फोर्स है वहां पे पहले का प्लस दूसरे का, राइट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो आप बोल सकते हो अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट, ज्यादा एक्सप्लेनेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल. आप बोल से ऐसा बोल देना अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट since there is no force, therefore force नहीं है उस direction में, तो therefore what you can write is, मैंने अभी भी बताया M1 U1 sin alpha 1 directly equal to M1 V1 sin beta 1 और M2 U2 sin alpha 2 equal to M2 V2 sin of beta 2. इसको बोल देंगे हम लोग सम इक्वेशन नंबर 2. और यहाँ पे जो आया था ये इक्वेशन नंबर 1. ओके, गुड. देन अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V2 माइनस V1 अपॉन, अब वो भी हाफ डेफिनेशन था, इनकम्प्लीट था. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, दैट इज द फुल डेफिनेशन. वो सिर्फ 1D था, तो 1D में तो कंपोनेंट्स थे नहीं, तो हमको टेंशन नहीं था. तो यहां पे वी नो दैट E is equal to relative velocity of separation along line of impact. ये complete definition है. ध्यान, this is complete definition and this is relative velocity of approach along line of impact, relative velocity of approach. So this is the complete definition. Okay, so you need to know this. Good. Then E equal to what is velocity of separation along line of impact? Matlab final of second. What is final of second? V2 cos beta 2 minus V2 cos beta 2 minus V1 cos beta 1 upon velocity of approach along line of impact U1 cos alpha 1 minus U2 cos alpha 2 U1 cos of alpha 1 minus U2 cos of alpha 2. So that's all about motion in two dimension non head on collision.
तो ये आपको इतना पता होना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हम अब 1D से 2D में गए, तो 2D में दो लाइंस इंपॉर्टेंट थे, वन इज लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड अदर इज कॉमन टेंजेंट। ओके, एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट्स ऑल यू आर सपोज टू डू एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट। सो दैट्स इट फॉर टुडे।